अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप सब ना टाइप कीजिएगा, चैट में आप टाइप कीजिएगा। आज हमारी पहली क्लास है वर्डप्रेस की, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। और सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है मतीर रहमान एंड मैंने मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से। और मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस डेवलपमेंट में। तो आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस कोर्स हियर एट एनएस ट्रेनिंग। आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम आप लोगों का इंट्रोडक्शन अब लेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, वर्डप्रेस में आपका जो है वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ वर्डप्रेस डेवलपमेंट में। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? सही, काइंडली चैट में बताइएगा। जी सर, आ रही है आवाज़? बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है सब, तो आप सब तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा चैट में। काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं। ओके जारा, गुड। जफरा, सॉरी जफरा। ठीक हो गया फरहा फातिमा। आप सबको वेब डेवलपमेंट का जो है वो इंटरेस्ट है, क्या आप वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हैं? सही अमीर, आपको कहा किसी ने कि वर्डप्रेस सीख लो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। अनम, आपने पहले थोड़ा सा काम किया है वर्डप्रेस पे, तो ठीक है। समान विक्स जो है वो एक अदर थिंग है, वर्डप्रेस उससे बहुत डिफरेंट है और उससे बहुत ही वास्ट चीज़ है। फातिमा का अच्छा क्वेश्चन आंसर जो है वो हम एंड में करेंगे। अभी आप सबका इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने लेना था कि आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है, आप क्या स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं। जो क्यू एंड ए का सेशन होगा वो हम जो है एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर 10 to 15 मिनट्स या 10 मिनट्स जो है हम उसमें निकालेंगे।
नो प्रॉब्लम। और हम जिसको आता है, किसी ने किया है काम वेल एंड गुड, किसी ने नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह आपको इस कोर्स पे जो है फ्रॉम बिगनर टू एक्सपीरियंस लेवल पर लेकर जाया जाएगा। आप इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द कोर्स आप अपना जो है एक वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकेंगे, फुल एंड फ्लैज इंशाल्लाह जो है वो आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकेंगे। आई थिंक सबने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो हम आके चलते हैं। मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैंने आपको अपना नेम भी बता दिया है, और मैं अब आपको अपना जो है ना पोर्टफोलियो की तरफ लेकर चलता हूँ। जी, जफराज आप, मैं इंशाल्लाह आप, मैंने मैं यही कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है आप क्वेश्चन आंसर करिएगा, मैं आपको सारे जो क्वेश्चन के जो है वो आंसर करूँगा। ऐसे मैं आपको इसका आंसर कर देता हूँ कि बिल्कुल ये ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत हेल्पफुल है, और आप इससे इसको यूज़ करके ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, डिफरेंट जो है वेबसाइट्स आप वो डेवलप कर सकते हैं। जैफर नो प्रॉब्लम, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा इंशाल्लाह। आपको सिर्फ आप लोगों की डेडिकेशन चाहिए, जो आपको टास्क दिया जाएगा, जो आपको चीज़ें बताई जाएंगी, जो आपको लेक्चर होगा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपने उसको रिवाइज करके आना है। मैं आपसे फर्स्टली उस लेक्चर जो लास्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर के बारे में पूछूंगा, ठीक है? फिर हम आगे लेक्चर लेंगे, फिर एंड में क्वेश्चन एंड आंसरिंग का जो है ना हम वो सेशन रखा करेंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ मुझे आप लोगों की डेडिकेशन चाहिए, आप लोगों ने हार्ड वर्क करना है, ठीक है? बस उसके उसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका वर्डप्रेस में कोई एक्सपीरियंस है या आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो कोई इशू माइंड नहीं रखता। आप बस अपना जो है डेडिकेशन आपने देनी है, इंशाल्लाह आपकी वर्डप्रेस पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। बाकी जो जिनके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं कि वर्डप्रेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस से हम क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी सब भी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, मैं आपको वो सब बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस से क्या कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस से बड़ी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, छोटी से छोटी वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं। आई थिंक इंट्रोडक्शन हो गया सबका, सबने ज्वाइन भी कर लिया है, और अच्छा जी, हाँ शाम का क्वेश्चन है कि वर्डप्रेस की भी वेबसाइट बनानी है सर मुझे, सर्विस वेबसाइट फॉर माय ओन बिजनेस। जरूर आप इंशाल्लाह जैसे ही ये कोर्स खत्म होगा आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकेंगे, कोई इशू नहीं है। सिर्फ मैंने आप सबको यही कहा है कि आप लोगों ने अपनी डेडिकेशन देनी है, आपने जो आपको टास्क दिए जाएंगे, जो आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आपने उसको रिवाइज करके रखना है, उसको आपने प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद में आपसे जो है नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे उसके जो है पिछले लेक्चर की डिटेल पूछूंगा, और जो आपने प्रैक्टिस की है वो मैं आपसे उसके बारे में पूछा करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? मैं आप लोगों के साथ ना अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है स्टूडेंट्स मेरी? ओके ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ना अपना अपने जो पोर्टफोलियो है मैं आपको वो शो करवाता हूँ, जिनमें से चंद वेबसाइट्स जो है ना मैं आपको वो शो करवाता हूँ जो मैंने वर्डप्रेस यूज़ करके डेवलप किया है। उसमें से सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहूँगा जो कि ये है अल मुल्तान बिल्डर्स के नाम से। ये बेसिकली एक DHA के जो है डीलर्स हैं उनकी वेबसाइट है, ठीक है? अब ये वेबसाइट जो है ये टोटली वर्डप्रेस पे डेवलप्ड है।
ये टोटल वेबसाइट जो है ये वर्डप्रेस पे डेवलप्ड है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी दी हुई थी कि इस तरह वेबसाइट चाहिए हमें और इस तरह चीज़ें चाहिए। ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स पे जो है काम हुआ हुआ है और ये इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पे काम करके जो है उनको मैंने वेबसाइट जो है डेवलप करके दी थी। ठीक है, इसमें मल्टीपल उनकी टैब्स हैं जो भी पोजेशन सेक्टर्स ये वो सब आपको मैं शो करवा देता हूँ एक एक करके। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और वेबसाइट अपनी शो करवाता हूँ जो कि मेरी चाइना की क्लाइंट की थी। ये भी एक जस्ट लाइक अ शॉपिंग कार्ट है, शॉपिंग वेबसाइट जो से ई कॉमर्स का क्वेश्चन किया था किसी स्टूडेंट्स ने। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये वेबसाइट देख लें। ये सारा जैसे ये प्रोडक्ट्स का न्यू प्रोडक्ट्स का एरिया है, ये हॉट प्रोडक्ट्स जो उनकी हॉट प्रोडक्ट्स चल रही हैं, ये उनकी कंपनी प्रोफाइल है। उसके बाद उनके सिंपल टैब्स हैं अबाउट अस में जो उनका अबाउट अस का डाटा है। तो ये कुछ जो है वेबसाइट्स हैं ये जो वर्डप्रेस पे मैंने डेवलप की हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको शो करवा रहा हूँ। आप सबने ये देख ली वेबसाइट्स? ठीक है, अब ऐसे ही इस तरह से आप इस जो है वेबसाइट्स आप डेवलप करेंगे, इससे अच्छी भी करेंगे। ठीक है, उसमें ग्राफिक्स में जो है ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं वो अपने ग्राफिक्स को यूज कर सकते हैं। और आप लोगों ने साथ किसी ने SEO का कोर्स भी लिया हुआ है NS में? साथ आपने NS में SEO का कोर्स भी रजिस्टर किया हुआ है? ठीक है, गुड है। ठीक है, कोई जिसने किया हुआ है ठीक है। SEO बेसिकली ये है कि साथ आप SEO का कोर्स करेंगे तो आप अपनी वर्डप्रेस को और SEO को यूज़ करके बहुत अच्छी स्किल्स और भी दे सकते हैं। वैसे वेब डेवलपमेंट में जो है वेबसाइट डेवलपमेंट में SEO का कोई वो नहीं है। अच्छा अनम, आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आंसरिंग मैंने आपको कहा है कि मैं एंड में जो है वो रखता हूँ सेशन, लेकिन आपका भी क्वेश्चन आ गया कि आपने प्री बिल्ड टेम्पलेट्स यूज़ किए हैं या डेवलप किए हैं। अच्छा, आपको एक बात बताता चलूँ कि प्री बिल्ड टेम्पलेट जो है ना वो आप ले लें तो उससे भी वो हो जाती है, लेकिन आप प्री बिल्ड, ये मैंने खुद बिल्ड किए हैं। आपको नल थीम मिल जाए आप नल थीम पे भी ये बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने नल थीम पे बनाया है अगर थीम नल है। ठीक है, अगर प्री बिल्ड भी है तो आपने कस्टमाइज़ कैसे करनी है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है या कस्टमाइज़ करके कैसे उसकी फंक्शनलिटी को अचीव करना है वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये जिस जैसे ये मैं आपको दिखा रहा था अल मुल्तान बिल्डर्स वाली, ये जो है ये मैंने खुद की है, और ये वाली चिंची वाली जो है ये वाली भी मैंने खुद की है। इसका टोटल हेडर जो है वो कस्टमाइज है अल मुल्तान बिल्डर्स का। ठीक है, उनमें से आपको आपको जो है ये सिर्फ मैं एक कोई टेम्पलेट वगैरह या उसका वो नहीं बस बताऊंगा, मैं आपको टोटल जो वर्डप्रेस में कैसे कस्टमाइजेशन करते हैं, कैसे आप उसको लेकर चलते हैं आगे, उसको कैसे डेवलप करना है, ठीक है, वो आपको मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये देख लिया पोर्टफोलियो, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है। सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ और भी ज़्यादा जो है उसमें आपको जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसको बेसिकली वर्डप्रेस को कहते हैं कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक जो है आप कह लें
एक सिस्टम है जिसमें आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं और आप उसमें कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, न्यू कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो वो एक प्री बिल्ड जो है वो CMS है ये, जिसमें अब इन्होंने अब मेंशन किया हुआ है कि ब्यूटीफुल वेबसाइट ब्लॉग और ऐप। तो मोस्टली जो पहले वर्डप्रेस यूज होती थी वो मोस्टली ब्लॉगिंग के लिए यूज होती थी। ये जब वर्डप्रेस लॉन्च हुई थी, क्योंकि आप फ्रॉम द नेम आप जो है ना आप इसको समझ सकते हैं कि वर्डप्रेस के नाम से आप समझ सकते हैं कि ये ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। और जब इसकी इनिशियल जब ये इनिशियल रिलीज हुई थी 27 मई 2003 में, तो ये मोस्टली पोर्टफोलियोज के लिए और ब्लॉगिंग के लिए यूज होती थी। बट विद इन द टाइम जो है इसने बहुत पॉपुलरिटी गेन कर ली। पॉपुलरिटी कैसे गेन की, क्योंकि बहुत ये इसकी ईजीनेस की वजह से, और इसको जैसे मैनेज करना बहुत ईजी है और इस पर काम करना बहुत ईजी है, तो इस वजह से इसने पॉपुलरिटी गेन की। तो इस पर फिर लोगों जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है, अब एंड्रॉयड फ़ोन की ऐप स्टोर है जैसे, या एंड्रॉयड स्टोर है, तो उसके ऊपर जब जब एक एक सिस्टम आ जाता है तो उसके ऊपर जैसे ऐप्स ऐप जो डेवलपर्स हैं वो ऐप क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। पहले पहले शुरू में उसमें कोई ऐप नहीं होती है, लेकिन जब वो विद इन अ टाइम जैसे ही उसकी पॉपुलरिटी इंक्रीज होती है तो फिर उसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, तो वो उसको उसकी मार्केट प्लेस को आगे लेकर जाते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस पहले जो है वो लॉन्च हुई, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए लॉन्च हुई, फिर लेकिन जब डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने डिफरेंट जो डेवलपर्स थे उन्होंने देखा कि वर्डप्रेस में मतलब ये इजीनेस है और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मुराद ये होती है, यानी कि उसका मीनिंग ये है कि आप लोग इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए आप इसके जो सोर्स है, ये सोर्स ये बेसिकली क्रिएटेड है PHP के ऊपर। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसका फ्रेमवर्क यूज़ करके उन्होंने ये वर्डप्रेस को जो है क्रिएट किया था। तो आप लोग ये समझे कि ओपन सोर्स में, यानी कि आपने कोई भी फंक्शनलिटी अचीव करनी है तो आप उसमें कोई कोड जो है चेंज करके और उसको जो अपनी फंक्शनलिटी को है वो आप अचीव कर सकते हैं। अब उस कोड पीस ऑफ कोड में अब आप ये देखें कि यहाँ पे आप देखें थीम्स हैं, आपको प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें तो ये प्लगइन्स है ना, प्लगइन समझ लें कि पीस ऑफ कोड ही है। अब आपको ये प्लगइन्स में देखें कि 59,471 फ्री प्लगइन्स इन्होंने लिखे हुए हैं और अभी मार्केट प्लेसेस में बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है। इस प्लगइन में आप कोई प्लगइन सर्च करते हैं जो आपने फंक्शनलिटी अचीव करनी है उसको यूज़ करने के लिए, तो वो आपको प्लगइन यहाँ से जो है वो अवेलेबल हो मिल जाता है ये। और यहाँ पे ये थीम्स हैं, थीम्स में जाएंगे तो आपको थीम्स अचीव हो जाएंगी, जो थीम्स मतलब जैसे ये थीम है। अब जैसे आप देखें कि मेरे से अभी पूछा था क्वेश्चन किसी ने, अब जैसे ये 2021 है या एस्ट्रा है, आप ये थीम यूज़ करके भी एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकती हैं। आप इसमें से ये 2017 है या और इसमें एक वेब ये जनरेट प्रेस बेसिकली, अब ये जो थीम है ये यूज़ होती है ब्लॉगिंग के लिए मोस्टली, अब ये यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसके इसमें ये जो है ना SEO जिनसे मैंने पूछा था ना कोर्स का, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि वर्डप्रेस के जो है ना वो ओके नादिया आपका इशू है, ठीक है ठीक है, बाकी सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थीम्स का बता रहा था कि मेरे से थीम्स का क्वेश्चन किया था एक स्टूडेंट ने, तो आप थीम कुछ भी ले सकते हैं, थीम आप नल थीम भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपने जो है उसको कैसे कस्टमाइज़ करना है वो कस्टमाइजेशन में जो है ना आपको सारी उसमें बताऊंगा, और उसको कैसे फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट या फ्रॉम द स्क्रैच कह लें, आप फ्रॉम द स्क्रैच टू द हायर टू द एडवांस और प्रो लेवल कह लें, तो आपको वहाँ तक जो है वो कैसे लेकर जाना है वो मैं इंशाल्लाह आपको ये साथ साथ जैसे ही है चलते जाएंगे हम और ये होता जाएगा। मैं आपको अबाउट में दिखाता हूँ मैं इसके, अच्छा स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अब इंटरनेट के ऊपर 43% ऑफ वेबसाइट्स जो है ना वो वर्डप्रेस पे डेवलप हुई हुई हैं।
आप किसी अक्सर लोग कहते हैं कि वर्डप्रेस जो है वो सिक्योर नहीं है, या ऐसे प्रॉब्लम या प्रॉब्लम है, वर्डप्रेस में प्रॉब्लम आ जाता है, या ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो आपने उनके किसी के कोई और कोई आपको अगर किसी से डिस्कशन होती तो आपने किसी से मतलब ये सुन के परेशान नहीं हो जाना कि वर्डप्रेस में ऐसे प्रॉब्लम आता है। आवाज आ रही है सुन तो आपको? हाँ आप ठीक है स्टूडेंट से आवाज? ओके स्टूडेंट आप बताइए कि आवाज ठीक है, आपको आवाज ठीक आ रही है? ठीक है ओके। थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आई थिंक ये तो इंटरनेट का इशू है। अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि 43% ऑफ वेबसाइट्स जो है वो आपको वर्डप्रेस पे जो है डेवलप हुई हुई इंटरनेट पे मिलेंगी। बड़ी से बड़ी वेबसाइट भी है और छोटी से छोटी वेबसाइट भी जो होगी वो आपको वर्डप्रेस पे बनी हुई मिलेंगी, 43% ऑफ साइट। और ये नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी इंक्रीज होती जा रही है। और आज अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि एसईओ का, बताया था मेरे स्टूडेंट्स ने जो एसईओ का कोर्स कर रहे हैं, तो जो वर्डप्रेस है वो एसईओ पे अपना बहुत फोकस कर रहा है। कि सर एसईओ का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन की जो रैंक होनी है तो वो एसईओ के थ्रू रैंक होनी है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अब उसके लिए डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ होती हैं। अब वर्डप्रेस जो है वो उसको उस फंक्शनलिटीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसमें जो है उसकी जो वो अपनी टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो उसको चेंज कर रहा है, और ताकि वो आपकी जो वेबसाइट है वो जल्द से जल्द एसईओ, यानी कि अगर जब आप उस पर करेंगे एसईओ तो वो जल्द से जल्द जो है वो गूगल पे रैंक हो जाए और अच्छी रैंक हो जाए। जब आप एसईओ करेंगे, जब वर्डप्रेस और एसईओ का कोर्स कर लेंगे, आप दोनों को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि आप वर्डप्रेस पे जब एसईओ कर रहे होंगे तो आपकी जो साइट है वो कैसे रैंक हो रही है, वो आपको जो है इजीली आपको समझ में आ जाएगा फिर। क्योंकि मैं आपको वर्डप्रेस का कोर्स करवाऊंगा, मैं आपको एसईओ का कोर्स नहीं करवाऊंगा। आप एसईओ का कोर्स अच्छे से समझिएगा जो एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपको दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदा देंगी, एसईओ भी और ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी। जब आप वर्डप्रेस डेवलप कर लेंगे, अपनी वेबसाइट को डेवलप कर लेंगे, या कोई भी ई कॉमर्स साइट है, आप किसी ने कहा है कि मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है, बेशक आप अपनी वेबसाइट बनाएं और साथ आप उसकी एसईओ करें तो आप उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो अब उसको एसईओ फ्रेंडली बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब उसके बाद हम चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, होस्टिंग और डोमेन के ऊपर ना। डोमेन और होस्टिंग जो है वो आपको चाहिए होती है एक एक वेबसाइट को जो है वो सक्सेसफुली वर्ल्ड वाइड वेब पे डालने के लिए, जो www होता है उसको। अच्छा डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से बाय कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, डोमेन एंड होस्टिंग भी कैसे बाय करनी है, कहाँ से करनी है, जब जब वो बाय करनी हो आपने, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको जो है ये लोकल होस्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोकल होस्ट पे काम करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आप ये देखें कि डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से बाय करनी है, आपका कॉन्सेप्ट डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में कैसा है वो ठीक होना ज़रूरी है। जी अतशांत, डोमेन एंड होस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने लगा हूँ अभी, सबको आप सबको होस्टिंग और डोमेन का कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। अच्छा आपको आपके सामने ये जैसे मैंने wordpress.org ये ORG खोला हुआ है, ये ORG जो है ना इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ये एक TLD होता है, टॉप लेवल डोमेन, जैसे .com हो गया, .pk हो गया, या .com.uk हो गया, ये टॉप यानी कि इसको कहते हैं TLD। ठीक है, TLD डोमेन्स होती है, ये जो है ये आपकी डोमेन है। ठीक है, अब ये डोमेन जो है, अब आप कह लें कि जो होस्टिंग है ना वो एक काइंड ऑफ फिजिकल एड्रेस है, होस्टिंग आपकी होती है सर्वर के ऊपर, सर्वर जो है वो एक फिजिकल लोकेशन पे पड़ा हुआ है जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट है। आप जैसे कह लें कि आप होस्टिंग को इस तरह आप रिलेट कर लें आप के जैसे आपका घर का एड्रेस है, आपके
अच्छा, ये wordpress.com और org कोई इशू नहीं है? आप wordpress.com खोल लें, wordpress.org खोल लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं आपको .com भी खोल देता हूँ। ये wordpress.com इसके जो है वो डाउनलोडिंग वगैरह के लिए है, और जो ये org है ये उसकी जो है वो यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस मिल जाएगी। इन्होंने मार्केट प्लेस पे अब काम करना शुरू किया है। मोस्टली पहले जो मार्केट प्लेस थी वो डिफरेंट थी। मार्केट प्लेस पहले किसी और ने बनाई, थीम फॉरेस्ट का नाम से थी। थीम फॉरेस्ट है, अभी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस आ गई है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या यूज़ करना है वर्डप्रेस को, कैसे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको सब मैं आपको जो है ना उसमें ये, क्योंकि ये आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, आपने इसमें परेशान नहीं होना। नेक्स्ट लेक्चर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन क्या है वो मैं बताऊंगा, उसके आगे जो है जब हमारा कोर्स चलता जाएगा मैं आपको टूल्स भी बताऊंगा, और मैं आपको उसमें मार्केट प्लेसेस भी बताऊंगा, सारा कुछ सिखाऊंगा। सिखाने में आपके बाद जो उसमें यूज़ होती हैं चीज़ें वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी हम डोमेन डोमेन और होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका मैं आपको बता रहा था कि डोमेन और होस्टिंग क्या है। आपको एक वेबसाइट क्रिएट करने से पहले या वेबसाइट डेवलप करने से पहले डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डोमेन कैसे काम करता है, होस्टिंग कैसे काम करती है। अच्छा स्टूडेंट, सबको आवाज़ क्लियर है? क्योंकि मुझे पूछना पड़ेगा। ये क्वेश्चन किया है, ओके आवाज़ क्लियर है सबको? अच्छा, ये एक मिनट, मेरा क्वेश्चन आया था किसी का कि आप शॉपिफाई भी यानी कि टीच कर रहे हैं। अच्छा, आप ये जो है ना दोबारा, मुझे एक मिनट नज़र नहीं आ रहा क्वेश्चन। हाँ जी, ये जफरा का मैसेज है। जफरा आप, मैं NS ट्रेनिंग के जो ऑफिशियल हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपने शॉपिफाई का कोर्स आप सजेस्ट करेंगे या जैसे भी है आप उनसे बात करेंगे, ठीक है? और जो है मैं NS ट्रेनिंग में वर्डप्रेस को टीच कर रहा हूँ और मैं वर्डप्रेस को लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, अभी हम जो है डोमेन एंड होस्टिंग के टॉपिक्स अभी नीचे नहीं आते, डोमेन एंड होस्टिंग पे बात कर रहे थे, ठीक है? आप, आपको मैं होस्टिंग का बताता हूँ। होस्टिंग आपका एक फिजिकल एड्रेस है, जैसे आप अपने घर का एड्रेस ले लें, लाइक सेक्टर F या और सेक्टर F3-10, और जो आपका जो फिजिकल लोकेशन पे जो है वो आपका वो होस्टिंग है, ठीक है? जो फिजिकल आपके वो होगी लोकेशन, और जो आपका जो एड्रेस है ना जो रीच करता है आपके घर पे, या आप घर या कोई एग्जांपल ले लें, कोई स्कूल ले लें या यूनिवर्सिटी ले लें, यूनिवर्सिटी का एड्रेस है दिस रोड समथिंग सो ऑन, ठीक है? अब वो जो एड्रेस है वो एक डोमेन है, वो डोमेन जो है वो यूज़ करते हुए आप उस लोकेशन पे पहुंचते हैं, वो लोकेशन जो है वो आपकी होस्टिंग है जहाँ पे आपने रीच करना है। इसी तरह जो है डोमेन, जैसे ये www.wordpress.org है, ये डोमेन है। अब जो ये आपको शो हो रहा है एक वेबसाइट, इस पे जो शो हो रही है, तो ये सब आपको कंटेंट शो हो रहा है, तो ये एक होस्टिंग के ऊपर जो है होस्ट हुआ हुआ है। इसकी जो भी सारी फाइल्स हैं वो आपको जो है यानी कि इन्होंने होस्टिंग के ऊपर होस्ट की हुई है। इस तरह मैं आपको यहाँ पे, जहाँ व्हाइट बोर्ड नहीं है मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। एक डोमेन इज द काइंड ऑफ अ लिंक, बेसिकली डोमेन इज द एड्रेस, यू कैन से दैट कि डोमेन इज द एड्रेस टू दैट फिजिकल लोकेशन। अच्छा, होस्टिंग जो है वो, होस्टिंग जो है वो सिर्फ एक साइट के लिए यूज नहीं होती। होस्टिंग जो है बेसिकली बहुत सारी, होस्टिंग के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। आप होस्टिंग लेते हैं उसमें आपको होस्टिंग का, मैं अभी आपको एक मिनट ये इस पे बना के दिखाता हूँ। यस, फॉर डिफरेंट साइट्स उसमें आपको एक पोर्शन दिया हुआ होता है। अच्छा, आप ऐसे ये कर लें, जैसे ये देखें कि ये हमने एक ये रेक्टेंगल लिया, ठीक है? अब इसके अंदर आप ये देखें ये कैसे है, ये अब आपकी जो, सॉरी, अच्छा ये क्वेश्चन है सर, होस्ट डिपेंडेंट और नॉन डोम, होस्टिंग जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स काइंडली ये आप देखिएगा, मैं आपका सारे ये क्वेश्चंस जो हैं आप अपने माइंड में रखिएगा, मैं एंड में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा।
जो है आपको व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा, एक मिनट, पेन नजर नहीं आ रहा, जी स्क्रीन नजर, आपको स्क्रीन शो हो रही है? एक मिनट मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ। ओके आप देखिएगा स्टूडेंट्स, ओके ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब आपको विजिबल है। मैं आपको इस पे बता रहा था कि ये आप एक ऐसे जो है, ये आपकी जो होगी, ये एक सर्वर है, ठीक है। ये जो आप, मैंने आपको दिखाया, ये एक सर्वर है। अब इस सर्वर के ऊपर जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स होस्ट होती हैं, उन सबको एक ऐसे स्पेस, आपको नज़र आ रहा है ना सबको, मुझे कंफर्म बताते रहिएगा, ठीक है। ये आप ऐसे ही कर लें, ठीक है। अब ये इस तरह करते करते सो एंड सो ये पूरे सर्वर पे जो है ये आप होस्टिंग, ये पूरे सर्वर पे ये साइट्स होस्ट हुई हुई है। ये लोकेशन है, ये सबको अलॉट हुई हुई है। ये कोई भी वेबसाइट है, ये भी कोई वेबसाइट है, ये भी कोई वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है, इस तरह सो एंड सो सारी वेबसाइट्स हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि हम कोई भी, जैसे कह लें कि www.anything.com। अच्छा, अब ये anything.com जो है ना, ये अब इसकी जो ये पॉइंट करेगा, जो ये डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन आप पॉइंट करेगा ये इस लोकेशन की तरफ, ठीक है। अब ये इस लोकेशन, जब एक यूज़र जो है ब्राउज़र में ये खोलेगा anything.com, ठीक है, वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा किधर, इस सर्वर के ऊपर, इस सर्वर पे, इस एक लोकेशन के ऊपर, ठीक है। ये लोकेशन है, इस लोकेशन के ऊपर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब उसके रिस्पांस में जो है वो सर्वर जो है, यहाँ से जो डाटा होगा, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है जो उसके ऊपर होस्ट हुई हुई है, ठीक है, उसमें जो आपने वेबसाइट डेवलप की हुई है, होस्ट की हुई है, वो उसके रिस्पांस में इसको वापस सेंड करेगा इसी एड्रेस पे, और एड्रेस पे सेंड करने के बाद वो आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर शो हो जाएगा। वो जो कंटेंट है, जैसे अब मैंने आपको बताया था कि अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कुछ, कि एक जब ये रिक्वेस्ट जाएगा उसके बाद रिस्पांस रिसीव होगा, ठीक है। हम जब रिक्वेस्ट भेजते हैं anything.com या google.com, जैसे आप ले लें कि हमने उसको google.com आपने ब्राउज़र पे जो है वो एंटर किया और हिट किया, तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट के बाद जो आपको google.com का सर्च बॉक्स शो होता है वो उसका रिस्पॉन्स होता है, वो एक जो डिवेलप्ड हुआ हुआ पेज है या उनका जो भी साइट है वो आपको शो हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको अब डोमेन का, होस्टिंग का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या कोई क्वेश्चन है अभी इसमें? ओके, रमिन को समझ आ गई है, ठीक है। डिस्प्ले रिस्पॉन्स इज नॉट अ होस्टिंग, इट्स अ साइट, होस्टिंग इज एन अदर थिंग। ओके, होस्टिंग इज एन अदर थिंग। होस्टिंग जो है वो होस्टिंग आपके होस्टिंग पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। होस्टिंग जो है उस पे आपको एक जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, ये आपको एक उस पे एक चीज, एक फिजिकल लोकेशन अलॉट कर दी है। ये आप एक प्लॉट समझ लें, आप एक जमीन समझ लें कि ये एक जमीन है, ये अलॉट होगी आपको होस्टिंग के ऊपर। ये पूरा सर्वर है, सर्वर के ऊपर होस्टिंग यानी कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी होस्टिंग ही, आप इसको होस्टिंग ही कह लें। इसका पैनल होता है, ठीक है, आप इसके ऊपर अपनी जो है वेबसाइट को होस्ट करते हैं, जैसे आप अपनी सारी वेब, यस मैं भी अहमद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेबसाइट को अवेलेबल करता है इंटरनेट के लिए। आपको अगर जो अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, जैसे आपने कोई वेबसाइट डिवेलप की है, आपने उसको लाइव करना है कि आप को शो करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, लेकिन उसके लिए डोमेन भी मस्ट है। होस्टिंग का एक एड्रेस मिल जाता है, लेकिन वो आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस पे जो है,
यस रिस्पॉन्स, ऑब्वियसली रिस्पॉन्स इज जो रिस्पॉन्स है वो आउटपुट है जो हमें शो होता है ब्राउजर के ऊपर. अच्छा आपको डोमेन बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक चीज़ है ये आपको नज़र आ रहा है, ये जैसे होस्टिंग है. अब इसका एक एड्रेस हमें सर्वर से दिया हुआ होगा, लेकिन वो एड्रेस कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ. समथिंग लाइक आप कह लेंगे 192.168.55.02 इस तरह. ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि ये याद करना इजी है ज़्यादा या फिर anything.com याद करना है इजी. बेस आप मुझे बताएं कि ये याद करने के आपको ये 192.168.55.224 आपके लिए ये इजी है याद करना या anything.com याद करना इजी है. ठीक है, वेब नेम. ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियसली आंसर यही होना चाहिए आपको सबका. ठीक, तो अब जो डोमेन है ना वो इसको ओवरकम करती है. डोमेन पॉइंट बेसिकली सर्वर के जो आईपी है उसका आईपी को वो पॉइंट उसकी तरफ कर रही होती है, जिसको हम नेम सर्वर्स कहते हैं. अब वो नेम सर्वर की तरफ पॉइंट करती है जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल हो जाती है और वो शो होती है. डोमेन जो डोमेन नेम्स हैं वो डोमेन नेम इसी बेस इसी वजह से ही बनाए गए थे, क्योंकि ये आप एक एड्रेस जो है जैसे 192.168.55.224 अब वो आप याद नहीं कर सकते. अब आप कहें कि आपने draz.com पे जाना है, आपने सबने draz का सुना होगा. अब draz सिंपल सी draz आप लिखेंगे तो आपको draz.pk या .com पे चले जाते हैं, लेकिन आप उसके पीछे जो आप उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे तो वो इतना बड़ा है आप उसको नहीं याद कर सकेंगे कि मैंने draz पे जाना है तो मैं ये आईपी एड्रेस लिखूं, या मैंने गूगल पे जाना है तो मैं ये आईपी एड्रेस टाइप करूं अपने ब्राउज़र में. तो इसी वजह से डोमेन जो है वो आपके होस्टिंग की तरफ पॉइंट करती है और आपको डोमेन से रिक्वेस्ट जाती है होस्टिंग पे, इस आईपी के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है. बेसिकली इस आईपी के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है और उस आईपी से जो है वो रिक्वेस्ट जब जाती है तो फिर उसके बाद वो सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स सेंड कर देता है आपके वेबसाइट के ऊपर, सॉरी ब्राउज़र के ऊपर, और वही रिस्पॉन्स आपको ब्राउज़र पर शो हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये सब क्लियर है होस्टिंग के बारे में और डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया है. होस्टिंग बाय कैसे करते हैं और डोमेन बाय कैसे करते हैं ये सब मैं आपको जो है आगे बताऊंगा, कैसे बाय करनी है, कौन सी बाय करनी है या कौन सी अच्छी है. मोस्टली बहुत सारी अवेलेबल हैं और लेकिन हम लोग जो है वर्डप्रेस का हम करेंगे लोकल होस्ट के ऊपर काम. लोकल होस्ट में आपको जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें लोकल होस्ट में आपको कैसे बताऊंगा कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, कैसे लोकल होस्ट को इंस्टॉल करना है, सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा. उस लोकल होस्ट में भी मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपकी ये होस्टिंग है या कैसे वो आपको होस्ट जैसे सर्वर वो एक सर्वर आप अपने लैपटॉप्स में या आप अपने जो है पीसीस में खुद वो उसको वो करेंगे. नक्श इकरा का क्वेश्चन है कि सर होस्टिंग और डोमेन हम अपनी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल आप अपनी डोमेन भी बना सकते हैं, आप अपनी होस्टिंग भी बना सकते हैं, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि होस्टिंग बनाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं. आपको होस्टिंग के लिए एक सर्वर चाहिए पूरा, आप पूरा एक सर्वर बनाएं उसको, मतलब आपको पूरा रूम चाहिए, आपको उसके लिए सर्वर चाहिए, तो आपको वो बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं. और डोमेन जो है डोमेन वो TLD प्रोवाइडर्स होते हैं और डोमेन वही प्रोवाइड करते हैं, जो डोमेन है वो वही प्रोवाइड करते हैं, वरना आप तो जो है वो आईपी के थ्रू काम करना पड़ता है. लेकिन आप होस्टिंग आप अपने लैपटॉप को आप अपने लैपटॉप पे भी होस्टिंग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप देखें कि आप उसकी स्पेसिफिकेशन देखें कि आपने जो है अपना अपने अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को आपने होस्टिंग होस्ट बना लिया, लेकिन आप उसको जब इंटरनेट के कनेक्शन के लिए आपको उसके लिए उस पर स्टैटिक आईपी चाहिए, उसकी आईपी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो डायनामिक आईपी होता है, वो बार बार चेंज होता है. यस हमारा मैं आप ये नेक्स्ट यही समझाने लगा था उनको इकरा को कि आप अगर बनाना चाहते हैं तो वो कोई इशू नहीं है आप बनाएं, लेकिन वो जो है उसमें आप इशूज देखें कि आपको आईपी एक तो स्टैटिक लेना पड़ता है, फिर आपकी इतने आपने अपने वेबसाइट सॉरी आपने अपने लैपटॉप को और पीसी को अगर एक होस्टिंग बना भी दिया है तो आप उस पर कितने यूजर्स ला सकते हैं, आपने देखना कि आपकी बैंडविड्थ कितनी है. ठीक है, और बाइंग जो है वो बिल्कुल बहुत इजी और कन्वीनियंट है, आपको बहुत सारी होस्टिंग मिल जाती है और बहुत चीप भी मिल जाती हैं. आपको डोमेन
डोमेन अगर जो आप कह रहे हैं कि डोमेन जैसे भी है, जैसे anything.com है, अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसको बाय नहीं कर सकते। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर वो जैसे आपने बेसिकली वेब डेवलपमेंट करनी है, आपके पास क्लाइंट आया, आपको क्लाइंट कहता है कि मेरे पास ये डोमेन है या मुझे ये डोमेन परचेज करके जो है ना आपने, तो आप परचेज करने से पहले वो डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि वो डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। अगर तो वो अवेलेबल है तो आप वो परचेज कर सकते हैं। जब एक बिजनेस या ई कॉमर्स कोई बिजनेस बनाता है तो वो सबसे पहले सबकी R&D करता है, रिसर्च करता है कि ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, अहमद का क्वेश्चन है कि सर डोमेन विल लेट अस कनेक्ट टू द इंटरनेट, विदाउट डोमेन वी कैन नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट। नहीं अहमद, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने आपको बताया ये IP का कॉन्सेप्ट, अगर आप ये IP भी टाइप करेंगे, आपको IP मिल जाता है अपने होस्टिंग का, तो आप उसकी तरफ पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन आपको काइंडली ये माइक ऑफ कर दीजिएगा जिनका है ना माइक। स्टूडेंट्स, ये किसका माइक ऑन है? अच्छा, अब एहतिशाम अली कह रहे हैं, पहले उनका क्वेश्चन है। चलें, अब हमारा सेशन भी एंड होने वाला है तो हम क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं। आज के लिए इतना है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको भी जो है ना वो भी बता देता हूँ, होस्टिंग के कौन कौन सी है वो अवेलेबल है, सारा कुछ वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एहतिशाम कह रहे हैं सर इज डोमेन यूज टू एक्सेस एनी होस्ट और वेबसाइट। एहतिशाम, जो डोमेन जिस होस्टिंग की होगी, जिस वेबसाइट की होगी, उसी को ही एक्सेस करेगी, किसी और को एक्सेस नहीं करेगी। अगर आपका क्वेश्चन ये है, जैसे google.com है, वो google.com एक डोमेन है, ठीक है, जो वो उसको एक्सेस करेगी गूगल के सर्च इंजन को। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है। और आप जैसे दराज.com पे जाएंगे या दराज की के है उस पे जाएंगे तो वो दराज की वेबसाइट को शो होगी। जो दराज की पूरी वेबसाइट है वो एक होस्टिंग पे होस्ट हुई भी है। अब होस्टिंग और डोमेन तो कुछ भी हो सकता है। होस्टिंग आपने लेनी है, उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि इस रिक्वायरमेंट पे लेनी है, या जैसे उसमें आपने इतनी वेबसाइट करनी है, एक वेबसाइट के लिए लेनी है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। जी बिल्कुल, होस्टिंग और जो डोमेन है वो मस्ट है बाय करने के लिए। आप किसी की अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं वर्डप्रेस पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वर्डप्रेस पे कर रहे हैं, तो आपको होस्टिंग और डोमेन लेनी पड़ती है। बिल्कुल जफरा, आपने बिल्कुल सही बात की। एड्रेस के लिए घर का होना ज़रूरी है और घर के लिए एड्रेस का होना ज़रूरी है, दोनों चीज़ें जो है वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। जो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपको फ्रीलांसिंग में भी आंसर मिल जाएंगे, जो जैसे ये क्लाइंट विल पे फॉर डोमेन, ये आगे की है थिंग है, जिसमें आप लोग जब आप एक मतलब प्रैक्टिकल उसमें जाते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो आप क्लाइंट से जो आपकी डिस्कशन होगी, क्लाइंट से आपका जो भी तय पाएगा सब, तो वो उस पे डिपेंड करता है कि वो पे करेंगे या आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आप क्या उसमें चार्जेस करेंगे। ये एक जो है वो एक अलग अलग टॉपिक है कि क्लाइंट पे करेगा, वैसे तो क्लाइंट पे करते हैं, या आप सर्विसेज दे रहे हैं कि हाँ जी मैं आपको होस्टिंग भी दूंगा, मैं आपको डोमेन भी दूंगा, ये सब मैं दूंगा, और मैं आपको वेबसाइट भी डेवलप करके दूंगा, तो उसके मुताबिक जो है उसके अकॉर्डिंगली आप जो चार्ज करेंगे वो आप खुद वो करेंगे, डिसाइड करेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऊपर चले जाते हैं, अगर किसी को आंसर ना मिला हो तो वो काइंडली दोबारा भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है उसका जो पर्पज ही है वो ये है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। बेसिक आपको जो है वो इंटरनेट की और होस्टिंग की और डोमेन की नो हाउ हो, नॉलेज हो, और जो जिसमें फिर जब आपको बेसिक नॉलेज इसका क्लियर हो जाता है तो आगे आपके लिए आसानी होती है। अच्छा, इसमें आप देखें, ये मोहम्मद मोहसिन पूछ रहे हैं कि सर डू द कंट्रोल ऑफ होस्टिंग रिमेन विद इन द क्लाइंट और द होस्ट विच इज अस। अच्छा मोहसिन, आप देखें, आप अगर आपको क्लाइंट एक कंट्रोल पैनल, उसका जो होस्टिंग का कंट्रोल और डोमेन डोमेन की तो जैसे होता है वो तो एक ही रहती है, उसको सिर्फ पॉइंट किया हुआ होता है सर्वर के ऊपर। जो होस्टिंग का कंट्रोल है, अगर वो क्लाइंट ने आपको दी हुई तो वो क्लाइंट के पास ही होगा, वो क्लाइंट उसका आपके साथ क्रेडेंशियल्स जो है वो शेयर कर देगा,
तो वो ठीक है। अगर आप खुद प्रोवाइडर हैं तो वो आपके पास रहेगा, लेकिन अगर आपसे कोई लेना चाह रहा है होस्टिंग तो आप उसको होस्टिंग दे सकते हैं अगर आप प्रोवाइडर हैं होस्टिंग के। अच्छा इकरा, आपको क्या हार्ड लग रहा है आप मुझे क्वेश्चन बताएं, जो आपको कुछ समझ नहीं आई, आपने परेशान नहीं होना कि आपको मुश्किल लग रहा है या इस तरह। तो आपने मुझे जो भी है, मैं अब आप तो सबके आंसर्स के क्वेश्चन करता हूँ। इकरा, आपको क्या चीज़ इशू कर रही है, आपको क्या समझ नहीं आ रहा, आप मुझे वो बताएं तो मैं आपको उसका जो है ना क्लियर करता हूँ। अच्छा, हमारा के कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गए हैं, ऊपर एक और दोस्त काफ़ी स्टूडेंट्स के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अच्छा इकरा, आप मुझे बताएं, आप परेशान ना हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, वो होस्टिंग और आपको डोमेन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। होस्टिंग में आपको मैं अगेन बता देता हूँ कि आप देखें, ये मैंने आपको यहाँ पे, आपको व्हाइट बोर्ड मेरा नज़र आ रहा है जी? बिल्कुल दानियाल, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, सबको असाइनमेंट्स मिलेंगी, और इसमें सारी आप असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है? आपने वो करनी है। अच्छा, अभी मुझे इकरा को ये समझाना है, बल्कि सब इसको दोबारा समझें। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब इकरा आप देखना है कि ये जो है ना, ये डोमेन है, ठीक है? ये anything.com ये डोमेन है, ठीक है? और ये जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये, इसको मैं ऐसे सर्कल कर लेता हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे आप आ जाएं, इसको आप कर लें कि ये होस्टिंग है, ठीक है? इससे ठीक है, ये होस्टिंग है। अब ये होस्टिंग है, होस्टिंग के ऊपर ये आप देखें कि ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है? ये जो होस्ट हुई भी है। अब मैंने ये अभी ये सारे ड्रा नहीं किए थे, ये आप ऐसे भी ड्रा करें, ये सारी वेबसाइट्स एक सर्वर के ऊपर अवेलेबल है, ये एक सर्वर के ऊपर ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये सारी होस्ट हुई हुई है इसके ऊपर। ये आपको एक फिजिकल लोकेशन, बेसिकली एक एरिया, ये सर्वर कह लें, ये एक एरिया, इसके अंदर ये एक प्लॉट, ये दूसरा प्लॉट है, ये तीसरा प्लॉट, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन, ठीक है? अब इसके ऊपर, ये जो होस्टिंग के ऊपर ये आपका जो प्लॉट है, या आप इसको कह लें कि फिजिकल, या एक आपको जिस जो एक स्पेस मिली हुई है, ठीक है? ये आपकी होस्टिंग है, ठीक है? अब इकरा, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है? जफरा, अगर आपके पास होस्टिंग, आप रीसेलर है होस्टिंग के, होस्टिंग तो आप सेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप होस्टिंग सेल करना चाहती हैं तो वो भी हो सकता है आराम से। अच्छा, आप सबको ये समझ में आ रहा है होस्टिंग का? दोबारा से कॉन्सेप्ट सुन लें आप, होस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है, और जो ये डोमेन का कॉन्सेप्ट है। यस बिल्कुल हाशम, ये बिल्कुल ऐसी है, वेब नेम है। अच्छा, लोकल होस्ट फ्री होता है, वो आपका अपने पर्सनल वेबसाइट उसमें होता है। इकरा, आपको अभी और क्या कन्फ्यूजन हो रही है, आप मुझे वो बताइएगा प्लीज। अच्छा, आपको ना इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप इसको दोबारा भी देखिएगा, जिनको कन्फ्यूजन हो रही है आप उसको दोबारा सुनिएगा और समझिएगा। अच्छा, ये ड्राइंग जो है ना, ये आपको एक जस्ट एक एग्जाम्पल देने के लिए है आपको। मैं आपको, अगर आपको ड्राइंग जो है वो नहीं समझ में आ रही, तो मैं आपको जो है ना अपने उस पर ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब आप लोगों को ये मेरी ये स्क्रीन शो हो रही है जिसपे वर्डप्रेस आ रहा है। अच्छा ठीक है इकरा, अब आप ये देखें कि ये जो ये चीज़ है ना, ये डोमेन है, ठीक है इकरा? ये डोमेन है, ठीक है? अब आपको ये, अब ये जो डोमेन है, ये पॉइंट कर रही है इस वेबसाइट के होस्टिंग के ऊपर जो आपको शो हो रहा है। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपको मैंने google.com की बताया, google.com का भी गए आप, ठीक
ठीक है, आप ये गूगल डॉट कॉम जैसे ही आपने हिट किया, इसने एक रिक्वेस्ट भेजी गूगल के सर्वर के ऊपर, ठीक है, कि गूगल डॉट कॉम के ऊपर, कि जो मतलब वहाँ जब ये रिक्वेस्ट जाएगी जो उसका इंडेक्स होगा वो उसको रिस्पांस पे भेज देगा। ये इसका इंडेक्स है, जो इसका मेन पेज है वो रिस्पांस पे आपके वेब जो आपके वेब ब्राउजर है उसके ऊपर शो हो गया है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जिसपे मैं अभी ऐसे सर्कल कर रहा हूँ पॉइंटर से, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी उनकी होस्टिंग है गूगल की। अब गूगल तो बहुत बड़े मतलब सर्च इंजन है, आप लोग सबको पता है कि जिसने भी कुछ चीज़ सर्च करनी है वो गूगल डॉट कॉम ओपन करता है। तो इनके बहुत सारे सर्वर्स जो हैं, और अब इनके जैसे अंडर वाटर सर्वर्स भी हैं, आपको पता होगा कि अंडर सी जो है इनके सर्वर्स भी लगे हुए हैं। इंटरनेट सर्वर्स इज लाइक अ स्काई, अब सर्वर स्काई कह लें आप, क्लाउड कह लें, देयर कोई वो नहीं है। सर्वर एक बेसिकली फिजिकल चीज होती है जो, और उसमें आप ये अभी हम उसको सॉफ्टली देख रहे हैं कि ये आप देखें कि ये जिस तरह गूगल डॉट कॉम है, ये एक सर्वर पे उनके सर्वर पे अवेलेबल है, ये उनके सर्वर पे इंडेक्स पड़ा हुआ है। जब आपने गूगल डॉट कॉम टाइप किया डोमेन, ये डोमेन है, और इसको आपने जैसे ही टाइप करके एंटर किया वो आपको ले जाता है गूगल डॉट कॉम की रिक्वेस्ट भेजता है। अब इस गूगल डॉट कॉम के ऊपर भी एक आईपी का जो है ना यूज़ हो रहा है, वो आईपी हम याद नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि 192.168.55.224, तो ये आपको ज़्यादा इजी लगता है याद करना या गूगल डॉट कॉम लगता है इजी, तो आप लोग यही कहेंगे कि गूगल डॉट कॉम ईजी है, ठीक है। तो वो गूगल डॉट कॉम जो है वो उसको पॉइंट कर रहा है, गूगल डॉट कॉम बेसिकली पॉइंट कर रही है गूगल के ऊपर, गूगल का जो सर्वर है उसके ऊपर पॉइंट कर रही है। बिल्कुल, सर्वर्स जो है वो एक टाइप के कंप्यूटर्स ही हैं, वो जो है वो बहुत बड़े यानी कि सर्वर्स होते हैं, उसके अंदर उनकी एसएसडीज होती हैं, उनके बोर्ड्स होते हैं। होस्टिंग बिल्कुल ऐसी है, होस्टिंग पे आप जो है होस्टिंग बाय करें, होस्टिंग स्काई जो है, आप जफरा जो कह रही हैं बाय इट ऑन द स्काई और बाय इट ऑन द इंटरनेट, एक ही चीज़ है। क्लाउड होस्टिंग जैसे अब आजकल बहुत इन है, लेकिन उससे पहले कि सिंपल होस्टिंग चल रही है, क्लाउड होस्टिंग पे कोई इतना कोई अभी मतलब कर रहे हैं काम, लेकिन वो बहुत इंटरप्राइज लेवल पे काम होता है। आप जो मोस्टली जो है वो चल रही हैं वो क्लाउड पे भी चल रही हैं, लेकिन वो इंटरप्राइज लेवल पे आप काम करें, उसमें आपकी बहुत बड़ी जो है वो कोई जैसे फर्म्स हैं तो वो क्लाउड होस्टिंग पे जा रहे हैं, उनकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस तरह के मतलब आप कह रहे हैं कि क्लाउड की तरफ जा रहे हैं। सर जो नंबर्स होते हैं उनको वेब नेम बना लें तो वो होस्टिंग हो, नहीं उसको अगर हम नेम बना लें ना तो वो डोमेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने बिल्कुल ये यहाँ पे सिर्फ होस्टिंग की जगह आप डोमेन कर लें कि जो आप नंबर्स हैं ना उनका जो वेब नेम होगा, जैसे जिसको डोमेन मैं कह रहा हूँ, वेब नेम को ना, या वेब वेबसाइट नेम या वेबसाइट एड्रेस जिसको कहते हैं, तो आप उसको उसको डोमेन कहते हैं, आपने सिंपल ये याद करना है। अच्छा, क्लाउड होस्टिंग AWS वाली होती है, AWS भी है और अलीबाबा क्लाउड भी है, आजकल आप देखें तो वो भी चल रही है, अलीबाबा की बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, डोमेन समझ आ गया, अब आपको जो है ना होस्टिंग में समझाता हूँ। होस्टिंग अब जैसे ये डोमेन है, यस बिल्कुल सही कहा ये आपने ऊपर, मिनी होस्टिंग डोमेन विद SSL किसने होस्ट पड़ जाती है। अच्छा, ये आप लोग जो है ना, मैं आपको अब, अच्छा अब ये इकरा को आपको डोमेन समझ आ गया, मैं आपको होस्टिंग समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ना होस्टिंग की जो वेबसाइट्स हैं उनको बताता हूँ, जो जहाँ से आप डोमेन ले सकते हैं वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी फिलहाल लेकिन हम जो वेब डेवलपमेंट करेंगे वो लोकल होस्ट के ऊपर करेंगे, अपने कंप्यूटर पे जो है ना हम उसको लोकल होस्ट बनाएंगे, मतलब वो हम अपना सर्वर बनाएंगे और होस्टिंग कह लें सर्वर कह लें, हम उसको वो बनाएंगे और उसके ऊपर हम अपनी वेब जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसको एक्सेस कैसे करना है वो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अच्छा, डोमेन का समझ में आ गया, ये डोमेन होती है, डोमेन जो है वो बेसिकली जो नंबर्स हैं या आईपी एड्रेस है
ठीक है, ये इसको कनेक्ट करने के लिए जो है वो नंबर्स की जगह आप ये गूगल डॉट कॉम जैसे है, ये एक जो है गूगल डॉट कॉम जो है ना, वो बेसिकली पॉइंट पहले सबसे पहले क्या होगा कि वो जाएगा वो उसी एड्रेस के ऊपर 192.168 समथिंग जो भी नंबर है, ठीक है, वो नंबर से फिर वो उसको एक्सेस करेगा। तो ये जो गूगल डॉट, आपको गूगल का सर्च बॉक्स, ये सर्च इंजन नज़र आ रहा है, ये सारा जो जिसपे ये पड़ा हुआ है, इसको सक्सेसफुली आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर ये इसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं या जो ये शो हो रहा है जो रन करने के लिए, जो इस पे जिस चीज़ के ऊपर वो फाइल्स पड़ी हैं उसको होस्टिंग कहते हैं। अब होस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया इकरा और सबको? ठीक है, थैंक, ठीक है, आपको इकरा समझ आ गया है। अगर कुछ भी अभी नहीं कोई चीज रहती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ अब होस्टिंग के और डोमेन आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, जो टॉप पे जा रही है, मैं आपको वो बताता हूँ। फिलहाल आप देखेंगे होस्टिंगर सर्च करें आप, होस्टिंगर एक कंपनी है ये होस्टिंग के लिए। हाँ जी, क्लास टाइम एंड होने वाला है, बस ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्लास टाइम जो है वो 9 PM तक, क्लास 8 से 9 PM है, आप लोगों को पता होगा क्लास टाइम का। 5-10 मिनट्स पर हो जाए तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, आपको ये देख रहे हैं कि ये आपको होस्टिंगर मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये आप होस्टिंगर पे जाए, यहाँ पे आपको सारे इसके प्लान्स नज़र मिल जाएंगे, जो भी प्लान्स हैं, ये होस्ट ये लिखा है योर होस्ट, ये गेट अ फ्री डोमेन, होस्ट योर वेबसाइट $2.99 पर मंथ, ठीक है, ये इन्होंने सेल लगाई हुई है। अच्छा, ये वर्ड ये ना होस्टिंग के लिए ये वेबसाइट बहुत अच्छी, ये सर्वर जो है ना होस्टिंग बहुत अच्छी चल रही है, वर्डप्रेस के लिए बहुत अच्छी है ये, मैं आजकल ये रिकमेंड करता हूँ और मैं खुद भी होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ, और जितनी साइट्स मैंने आपको दिखाई जो थोड़ी बहुत अपने उसमें पोर्टफोलियो में, वो मैंने होस्टिंगर पे ही यूज़ किए हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ होस्ट डोमेन का। डोमेन जो है वो गोडैडी से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, या नेम चीज गोडैडी से बाय कर सकते हैं आप, ये गोडैडी पे जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे देखें, अब ये देखें ये होता है, यहाँ पे आपने जो है ना अपने ये करना है, जैसे अब मैं ये एक डोमेन है ये मैं सर्च करता हूँ, एक ही साइट से बाय कर सकते हैं जो टॉप पे जा रहे हैं, जिस तरह मैं डोमेन जो है वो गोडैडी से करता हूँ, और उसमें आप लोगों को कंपेयर करना पड़ता है जी, नेमचीप से भी डोमेन ले सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये वेबसाइट यूज करना बताएं, ये मैं आपको इसका जो है ना सारा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, अभी भी दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कैसे ये करना है, ठीक है, उस लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो उसका जो है वर्डप्रेस डेवलपमेंट पे है, वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट के बाद कैसे उसको लाइव करते हैं वो भी बताएंगा मैं आपको। डोमेन भी रिन्यू करवानी पड़ती है जफरा, डोमेन का भी एक पीरियड होता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, इसी तरह होस्टिंग भी होते हैं, ये होस्टिंग भी जो है वो आप जो है वो 1 साल के लिए ले लें, 2 साल के लिए ले लें, 3 साल के लिए ले लें, तो वो डिफरेंट मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, हाँ जी, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकअल्लाह सबका, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, सबको अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।